हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोटरसाइकिल के पीछे के जो ब्रेक पैड्स हैं उनको कैसे रिप्लेस करें। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको पीछे का टायर वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसानी से एंड बेसिक टूल्स के साथ आप अपनी मोटरसाइकिल के पीछे के जो ब्रेक पैड्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बस डिस्क ब्रेक होनी चाहिए आपकी मोटरसाइकिल में पीछे, ABS हो, विदाउट ABS हो, और किसी भी मॉडल की मोटरसाइकिल हो, सबके लिए ये प्रोसेस सेम रहने वाली है। एंड ये जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसमें ना आपकी डिस्क प्लेट है वो डैमेज होगी, ना वो बेंड होगी, ना ही कैलिपर को कोई डैमेज आएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड विद दैट बीइंग सेड, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी चल रही है इनकी फेस्टिव सीजन सेल, जिस पर इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट वो देखने को मिलने वाला है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि रहेगा हमारा जो पिस्टन है उसको हम बिना कोई चीज खोले जितना अंदर लेकर के जा सकते हैं उतना लेकर के जाएंगे। एंड अगर आप वंडर कर रहे हैं कि इसका साइलेंसर वगैरह कहाँ गया, तो इसका साइलेंसर और पीछे का जो इसका डर्ट गार्ड आता है, मड गार्ड, उसको मैंने रिमूव कर रखा है ताकि ये प्रोसेस मैं आप लोगों को आसानी से दिखा सकूं। इन चीज़ों को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मोटरसाइकिल का पीछे का जो ब्रेक कैलिपर है वो ईजिली एक्सेसिबल रहता है, तो आपको कुछ भी नहीं खोलना है। सीधा जो स्टेप नंबर 1 मैंने बताया है वहां से स्टार्ट करना है। तो अभी सबसे पहले हम जो पिस्टन है वो कितना बाहर आ रखा है अभी वो चेक कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटी सी टिप ये रहेगी कि ये प्रोसेस करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप पूरी मोटरसाइकिल को या फिर इस एरिया को तो एटलीस्ट अच्छे से प्रेशर वॉशर से वॉश कर लें, ताकि जो पिस्टन है उस पर जितनी भी गंदगी हम निकाल सकते हैं उतनी तो निकाल लें एटलीस्ट। एंड अभी सबसे पहले जो कैलिपर है उसको मैं अपने हाथ से अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। एंड अभी जो पिस्टन है वो देखिए आप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा जो पिस्टन है वो अंदर जा चुका है। एंड इस प्रोसेस से आपकी डिस्प्लेट वगैरह बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है। तो अभी जो हमारे पुराने ब्रेक पैड्स हैं उनको निकालने की बारी है। तो उसके लिए ये दो जो आपको एलन के बोल्ट्स दिख रहे हैं इनको हमें निकालना है। एंड ज़्यादातर केस में आपको यहाँ पर 5 mm की जो एलन की है वही लगानी पड़ेगी। कुछ मोटरसाइकिल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। एंड जब आप इन बोल्ट्स को ऑल द वे रिमूव कर लेंगे तब जो ब्रेक पैड्स हैं वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक साइड का ब्रेक पैड, एंड दूसरी साइड का जो ब्रेक पैड है वो भी हम निकाल लेंगे। एंड अभी आप इनमें डिफरेंस चेक करो, तो इसकी जो थिकनेस है वो आप देखो कहाँ है, और इसकी जो थिकनेस है वो आप देखो बिल्कुल ना के बराबर है। सेम दूसरी साइड है, इसमें देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट ना के बराबर मटेरियल बचा है। एंड जब नया होता है ये तब इसमें इतना मटेरियल होता है। एंड अभी नए ब्रेक पैड्स को लगाने से पहले सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो है कैलिपर की जो गाइड पिंस होती हैं उनकी जो मूवमेंट है वो चेक करना। तो हमारे जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिसते हैं और पिस्टन जब बाहर जाता है तब ये जो कैलिपर है ये खुद को एडजस्ट करता है। एंड वो जो एडजस्टमेंट है उसका मूवमेंट जब तक फ्री रहेगा, स्मूथ रहेगा, तभी तक वो कर पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि ब्रेक पैड्स हैं वो अनइवन वियर होते हैं, मतलब दो ब्रेक पैड्स हैं जिनमें से एक पूरा ख़त्म हो चुका है और एक नया का नया बचा हुआ है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो गाइड पिंस हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती हैं। साथ ही साथ ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगी तो आपका जो ब्रेक है वो लगता हुआ चलेगा, जिसकी वजह से ड्रैग क्रिएट होगा, आपकी बाइक का एक्सेलरेशन और उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो उस पर इफेक्ट डालेगा। साथ ही साथ आपकी जो डिस्प्लेट है उसकी लाइफ कम होगी, एंड जो ब्रेक पैड्स हैं वो तो घिसेंगे ही घिसेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो अभी एज यू कैन सी हल्के से मूवमेंट से ही ये ईजिली ऑपरेट हो रही हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो कैलिपर गाइड पिंस हैं वो प्रॉपरली ग्रीस्ड हैं। एंड इनमें हमें सिलिकॉन ग्रीस यूज़ करना होता है, और अगर गाइड पिंस आपकी स्टक है, मतलब वो एक जगह पे रुकी हुई हैं, ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको जो पीछे वाला टायर है वो निकालना पड़ेगा, इनको निकाल के प्रॉपरली ग्रीस करना पड़ेगा। डोंट वरी, एक अलग से इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा कि ये सब आपको कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए ये चेक जरूर कर लें। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो यू आर गुड टू गो, आप डायरेक्टली नए ब्रेक पैड्स हैं उनको लगा सकते हैं। बट उससे पहले कुछ एक मोटरसाइकिल्स के जो मॉडल्स हैं उनमें जो ब्रेक पैड्स आते हैं उनके पीछे ये एक प्लेट लगी हुई आती है इस वाले की, मैंने ये निकाल ली है।
तो ये प्लेट मेक श्योर आप निकाल करके जो आपके नए ब्रेक पैड्स हैं उनके पीछे लगा दें। अब चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इनको अच्छे से क्लीन करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो देयर वी हैव इट। अभी इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। एंड द रीज़न ये यूज़ करे जाते हैं इज़ बिकॉज जो ब्रेक पैड नॉइज़ है एंड जो वाइब्रेशंस हैं ये उनको थोड़ा बहुत कम करते हैं। तो एक साइड मैंने लगा दिया, दूसरी साइड का ऑलरेडी पहले ही मैं लगा चुका हूँ। एंड अभी ये जो बोल्ट्स हमें लगाने हैं, तो बेसिकली इसका ये वाला जो पोर्शन है इस पर हमारा जो ब्रेक पैड है वो स्लाइड करता है, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये स्मूथ हो। तो ये थोड़े से डस्टी थे एंड इनको मैंने क्लीन करा। इससे ज़्यादा इनको मैं क्लीन नहीं कर पाया बिकॉज इनकी जो प्लेटिंग है, जो इनके ऊपर रस्ट प्रूफिंग के लिए प्लेटिंग करी जाती है, वही उतरने लग गई है। एंड एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से इस टाइप की चीप कोटिंग की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद से हर एक कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। एंड जब जापानीज ही ऐसा कर रहे हैं तो हम किसी और को तो क्या ही बोल दें। एनीवेज़, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है इनको वापस कैसे लगाना है। तो अभी इनको लेकर के चलते हैं एंड जो री इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो बताता हूँ मैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम पीछे की साइड वाला जो हमारा ब्रेक पैड है उसको लगाएंगे। तो इसका ये वाला सेक्शन हम फ्रंट में रखेंगे, इसको स्लाइड करते हैं एंड इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं। एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड दबा के रखना है क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है जो कि अगेन इनको स्लाइड करने में हेल्प करती है, बट उसका थोड़ा सा स्प्रिंगी नेचर होता है। तो इसको अगर आप ढीला पकड़ के रखेंगे तो जो बोल्ट है वो प्रॉपरली नहीं लग पाएगा, तो इसको थोड़ा सा उठा के रखना है। अब बारी आती है इस साइड वाले ब्रेक पैड की। तो सबसे पहले तो कैलिपर है उसको हम इस साइड प्रेस करेंगे जितना हम कर सकते हैं ताकि जगह बन सके। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी हमारी जो क्लियरेंस है वो हमें मिल गई है, तो अभी हम जो हमारा ब्रेक पैड है उसको लगा सकते हैं। देयर वी गो। एंड अभी एक बार इनको मैं पकड़ के रखता हूँ। सबसे पहले हम इस वाली साइड का जो बोल्ट है उसको लगाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा जो पिस्टन वाली साइड का ब्रेक पैड है उसको अलाइन करेंगे एंड वहाँ तक हमारा जो बोल्ट है उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में पीछे का जो ब्रेक पैड है उसके होल को अलाइन करके जो बोल्ट है उसको इंसर्ट करना है। ऑल द वे जब हमारा जो बोल्ट है वो इंसर्ट हो जाए तब हम इसको अभी टाइट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें दूसरा बोल्ट लगाना है, जिसके लिए हमें सेम वही प्रोसेस रिपीट करनी है बट अब हमें इस साइड करनी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा उठाएंगे एंड इसको लगा देंगे। देयर वी गो। एंड उसके बाद में पीछे वाले को उठा करके इसको लगा देंगे। एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से कि जो ब्रेक पैड्स हैं उनकी फिटिंग प्रॉपरली हुई है क्या। एंड वंस दैट इज डन तब हम इन बोल्ट्स को प्रॉपरली टाइट कर देंगे। एंड अभी बिकॉज हमने जो पिस्टन है उसको ऑल द वे अंदर कर दिया था, तो हमें यहाँ पर ये जो गैप है इसको हमें मेनटेन करना है जो आइडियल होता है, एंड वो होगा इसको दबाने से। तो दो तीन बार आप पेडल को दबाएंगे तब सब प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आपको चेक करनी है दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रेक फ्लूइड लेवल। तो ये लोएस्ट है एंड ये टॉप मोस्ट पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये बीच से थोड़ा सा ज़्यादा है तो टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नीचे होता, आधे से भी कम होता, तो हमें टॉप अप करना पड़ता। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस, यही था प्रोसेस ब्रेक पैड्स को रिप्लेस करने का, वो भी प्रॉपर तरीके से। आपने देखा हमने सिर्फ एक टूल के नाम पर जो ये बोल्ट्स हैं इनको खोलने के लिए जो सॉकेट सेट आता है वो यूज़ करा है, उसके अलावा हमने कोई भी टूल यूज़ नहीं करा। बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, एकदम आसान प्रोसेस है और ये आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं। सो गिव इट अ ट्राई। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।